Power of dreams. आपने कभी ना, कई बार में हम चीजों को ना सुनते हैं लेकिन उनको कभी समझते नहीं, उनको ना कभी गहराई से सोचते नहीं उनके बारे के में। कि किसी भी जो विनर्स होते हैं ना, वो एक एक पॉइंट पे ध्यान देते हैं, एक एक पॉइंट के ऊपर। अब देखो, दुनिया की कोई भी सक्सेसफुल स्टोरी एक सपने से स्टार्ट हुई है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? दुनिया की कोई भी सक्सेसफुल स्टोरी एक ड्रीम से स्टार्ट होती है, एक टारगेट से स्टार्ट होती है, एक गोल से स्टार्ट होती है, एक पर्पस से स्टार्ट होती है। दुनिया की कोई भी स्टोरी आप देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति जिसने पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालते डालते यह ड्रीम लिया। लाखों करोड़ों लोग पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालते हैं लेकिन ड्रीम नहीं होता उनके पास। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालते डालते उसने ड्रीम लिया कि मेरे पूरे हिंदुस्तान में पेट्रोल पंप होंगे और मैं हिंदुस्तान का अमीर आदमी बनूंगा। अब ताकत देखिए ड्रीम की, तो आज वो कौन है? धीरूभाई अंबानी जी। अब सोच के देखिए, हम ना कई बार सुनते हैं लेकिन उसको समझते नहीं, लाइट लेते हैं बस में। हम ना रोते रहते हैं अपने हालात पे, भगवान ने मेरे को यही दिया, भगवान ने मेरे को यही दिया। या भगवान भी कहता, तूने क्या किया? एक बस के अंदर टिकटें काटने वाला कंडक्टर, और वो सोच रहा है बैठा बैठा कि मैं टिकटें काटने के लिए पैदा नहीं हुआ। वो सोच रहा है कि मैं बहुत बड़ा करने के लिए पैदा हुआ हूं। उसका बचपन से ड्रीम था मैं एक्टर बनूं, और आज आप सब उस टिकट काटने वाले कंडक्टर को रजनीकांत जी के नाम से जानते हैं। एक व्यक्ति जो रेलवे के अंदर जॉब करता था, टिकट चेकर की जॉब, कभी भी चैलेंज ले सकते हैं यार। चैलेंज लेने की कोई उम्र नहीं होती। जो 18 के 25 के हैं उनकी तो उम्र है ही चैलेंज लेने की। जो बड़े भी हो चुके हैं, चैलेंज लेने की कोई उम्र नहीं होती। हमने भी जॉब में चैलेंज लिया, आप भी चैलेंज ले सकते हैं। और वो व्यक्ति ने रेलवे की जॉब करते करते चैलेंज लिया कि मैं ये छोटा काम करने के पैदा नहीं हुआ, मैं एक बहुत बड़ा नाम इंडिया का पैदा करूंगा अपनी मेहनत से। और उसको आज कौन है? वो महेंद्र सिंह धोनी जी, जिनके ऊपर बॉलीवुड ने भी, जिनकी बायोग्राफी पे मूवी बनाई है। कभी भी चैलेंज ले सकते हैं आप। एक व्यक्ति जो आप ही के शहर से बिलोंग करता है, फुटपाथ पे जब वो मुंबई आया, फुटपाथ पे सोया, होटल में जाने के लिए पैसे नहीं थे। खाना भी नहीं खाया, भूखे पेट उसने सपना लिया। फुटपाथ पे बैठे बैठे उसने ड्रीम लिया, एक दिन मैं मुंबई शहर पे राज करूंगा, राज। और आज उसको, उसका नाम क्या है? मिस्टर शाहरुख खान। ड्रीम, पावर ऑफ ड्रीम। आप बताइए, क्या आसपास के हालातों ने शाहरुख खान जी को मोटिवेट किया था? सारे हालात नेगेटिव थे, सारे हालात खराब थे, लेकिन ड्रीम की पावर थी कि आज वो बॉलीवुड पे राज कर रहे हैं। यस और नो? पिछले 25 सालों से। एक व्यक्ति जिसने ये ड्रीम लिया, लाखों सपने हैं लेकिन मैं एक दो की बात कर रहा हूं। एक व्यक्ति जिसने ड्रीम लिया कि मैं हॉलीवुड का सुपरस्टार बनूंगा, हॉलीवुड का सुपरस्टार बनूंगा, उसने ड्रीम ले लिया, सपना ले लिया, पावर ऑफ ड्रीम्स। और छोटे मोटे रोल मिले, एक दिन उसने चैलेंज लिया और अपने ही नाम का $10 million का चेक काट दिया, खुद के नाम का। और उस चेक काटने के राइट 5 साल के बाद उसको एक मूवी मिली, जिसके लिए आप हैरान हो जाएंगे, जिस मूवी के लिए उसको चेक मिला कितने का? $10 million। और मैं बात कर रहा हूं किसकी? जाके नेट पे सर्च करिएगा, जिम कैरी, सुपरस्टार ऑफ हॉलीवुड। सपने वो नहीं होते जो रात को सोने के बाद आते हैं, सपने वो होते हैं जिनको देखने के बाद बंदा सोना छोड़ देता। आप बताइएगा, क्या धीरूभाई अंबानी जी को किसने मोटिवेट किया था कि आप पूरी दुनिया पे राज करोगे? उनके ड्रीम्स ने। आप बताओ, आप ऐसे कौन कौन स्टूडेंट है, कौन कौन पढ़ रहा है, एक बात बताइएगा मेरे को। टीचर का सपना होता है बच्चा टॉप करे, कि बच्चे का सपना होता है कि मैं टॉप करना चाहता हूँ? टीचर तो 100 बच्चों के लिए सोचता है वो टॉप करे,
क्योंकि जिस बच्चे का ड्रीम होता है ना मैं टॉप करूंगा, वही आने वाले वक्त में टॉप करता है। उस वही शादियां छोड़ता है, वही फंक्शन छोड़ता है, वही घूमना छोड़ता है। अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने इस सिस्टम में आप सारी चीजें मेरे लिए क्यों वर्क करी, क्योंकि मैंने क्यों काम किया इस इंडस्ट्री के अंदर, मैंने काम किया अपने फादर मदर के सपने पूरे करने के लिए। मैंने काम इस इंडस्ट्री में किया अपने फादर मदर के साइकिल को कार में कन्वर्ट करने के लिए। मैंने इस इंडस्ट्री में काम किया, क्यों किया, अपने फादर मदर के कच्चे घर को बहुत बढ़िया घर में कन्वर्ट करने के लिए। मैंने किसी के लिए काम नहीं किया, लोगों के लिए अपने आप ही हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास ना कोई ड्रीम है, ना कोई गोल है, ना कोई टारगेट है। मेरे को याद है एक ऐसी मीटिंग में मैं बैठा था और मेरे सीनियर आए शुरुआती दिनों में, वो कहते हैं जी ड्रीम लिखो। मैंने लिख लिया, मेरे को 5 साल के अंदर क्या क्या चाहिए। मैंने लिखा मेरे को कार चाहिए, अच्छा घर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। और मेरे 60 वाला जो बैठा है और वो क्या बोल रहा है, लिखने से थोड़ा ना पूरे होते हैं। और आई 5 साल के बाद मेरे पास सब कुछ था और जो दूसरा बैठा था वो आज भी वही है। तो आपके ड्रीम्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, आपके टारगेट्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं आपकी सक्सेस के लिए। आप जिसके टारगेट होते हैं, जिसके पास ड्रीम होते हैं, उसको किसी की कॉल की जरूरत नहीं है, उसको किसी भी धक्के की जरूरत नहीं है, वो सेल्फ स्टार्ट होते हैं ना। तो आप एक बात बताइए सब मेरे को, आपने बायोशेष अपने सीनियर के लिए ज्वाइन किया कि अपने लिए ज्वाइन किया? आपने अपने सीनियर के ड्रीम पूरे करने के लिए ज्वाइन किया कि अपने माँ बाप के ड्रीम पूरे करने के लिए किया? कौन कौन कहता है मैंने माँ बाप के ड्रीम पूरे करने के लिए किया? तो हमें याद होना चाहिए कि हमें अटैच कहाँ पे होना है। लेकिन मैं एक आपको बात बताऊँ, बहुत आसान है अपनी जिंदगी में छोटी छोटी चीज़ों के लिए एडजस्ट करना, बहुत मुश्किल है जिंदगी को बहुत बड़ा बनाना। लेकिन ज़्यादातर लोग एडजस्ट करते रहते हैं, एडजस्ट करते रहते हैं। आपका क्या नाम है सर? हाँ जी संगम, बड़ा नाम है, खतरनाक नाम है। अब संगम की कहानी सुनिए। ये एक संगम जी हैं, कितनी एज आपकी? हाँ जी 17 साल है। अब संगम जी की ये 17 है, धीरे धीरे ये 20 के होंगे। ये कहानी घर घर के संगम की है, अब माइंड मत करना। संगम जी बैठिए, मेरे को एक नाम चाहिए था, मिल गया आपका नाम। अब संगम जी क्या कर रहे हैं, बाइक पे घूम रहे हैं, जिंदगी को चिल मार रहे हैं, अपनी एरिया की गलियों में घूम रहे हैं। फिर पढ़ाई पूरी होती है तो पापा चपेट मारते हैं संगम को कि अब तो बड़ा हो गया है, शादी के लायक हो गया, तेरी शादी करनी है। तो संगम भी मन ही मन सोचता है अच्छी बात है, पापा ने कह दिया, तो मैं कहने वाला था। तो संगम जी क्या करते हैं, शादी के रेडी हो जाते हैं। फिर बाइक पे, पहले संगम जी अकेले घूम रहे थे, अब बाइक पे मिस्टर संगम और पीछे मिसेस संगम, एरिया वही है, बाइक वही है, लेकिन अब दो संगम हो चुके हैं, एक मिस्टर संगम एक मिसेस संगम। अब वही गलियों पे मिसेस संगम एंड मिस्टर संगम घूम रहे हैं। और साल सवा साल के बाद भगवान का आशीर्वाद आया, एक छोटा संगम आया। आशीर्वाद है भगवान का, कभी भी आ सकता है। अब छोटे संगम जी आए, अब हालात देखिए, अब ये संगम है, ये भी थोड़ा वेट गेन कर चुका है और मिसेस संगम भी थोड़ा वेट गेन कर चुका है। पहले ये बाइक पे खुद बैठता है, पीछे इसकी मिसेस बैठती है और फिर ये कहता है थोड़ा पीछे हो जाओ, वो बच्चे को भी एडजस्ट करना है। आगे बच्चा एडजस्ट हो जाता है, फिर मिस्टर संगम, पीछे मिसेस संगम, गलियां वही हैं। फिर 2-3 साल के बाद आशीर्वाद फिर भगवान का आ जाता है, एक और
संगम आ जाते हैं। चौथे संगम, अब पहला संगम 5 साल का, दूसरे संगम 2-3 साल के, अब फिर बाइक वही संगम, पीछे एक पहले वाला संगम, उसके पीछे मिसेस संगम और आगे छोटू संगम। वही गलियां, वही चुबारे, वही एरिया, संगम घूम रहा है। और 7-8 साल के बाद आशीर्वाद फिर से आ गया। और अब हालात देखिए, अब हालात देखिए बाइक के। अब तब तक संगम भी 10-15-20 किलो वेट गेन कर चुका है, ये दुबला पतला संगम नहीं है, ये संग्राम बन चुका है। और बाइक वही है, बाइक वही है, पीछे पहले वाला 10 साल वाला संगम, उसके पीछे मिसे संगम, उसके पीछे 4 साल वाला संगम। और सारे कहते हैं एडजस्ट करने के लिए पीछे हुए और पिछला संगम नीचे, आगे छोटा संगम। क्योंकि इनको क्या है, तकलीफ तो बाइक को है ना कि 5 लोगों को एडजस्ट करना है, संगम को तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, संगम को कोई फर्क पड़ रहा है ना मिसे संगम को कोई फर्क पड़ रहा है, क्योंकि सारी प्रॉब्लम तो बाइक को ही ढूंढनी है ना, हीरो होंडा बाइक। देखो जिंदगी के अंदर संगम जी ने एडजस्ट कर करके कर करके एडजस्ट करने की आदत डाली, और दूसरी जगह पे किसी ने ना एडजस्ट करने की आदत डाल के अपने आप को बड़ा बना लिया। तो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है, या उन्हीं हालातों में एडजस्ट करके वहां रहना चाहते हैं कि जहां जिंदगी में अपनी लाइफ का एक न्यू चैप्टर लिखना चाहते हैं। क्योंकि आपसे कोई काम नहीं करवाता, आपसे काम करवाते हैं आपके ड्रीम्स। हर हिस्ट्री एक सपने से स्टार्ट हुई, एक ड्रीम से स्टार्ट हुई। एक दिन ऐसा था हमारे जिंदगी के अंदर भी, सारी जिंदगी पापा ने जॉब की और 8 से 10 साल मैंने जॉब की, एक हीरो होंडा बाइक लेने का ड्रीम था, नहीं ले पाई, 50,000 रुपये इकट्ठा ना कर पाए जिससे मैं अपने जीवन का पहला सपना पूरा कर पाता। लेकिन ड्रीम था, हमारे करोड़पति रिलेटिव हमें शादियां पर नहीं बुलाया करते थे, लेकिन हमारा ड्रीम था एक दिन अपने फादर मदर को उनके घरों में चीफ गेस्ट लेके जाना है। कहते सपने वो नहीं होते जो रात को सोने के बाद आते हैं, अरे सपने वो होते हैं जिसको देखने के बाद इंसान सोना छोड़ देता है, वही ड्रीम होते हैं। कौन कौन कहता है कि मैं अपने सपनों के लिए फाइट करने को तैयार हूँ, एक रात रात दिन अपने सपनों के लिए करने को तैयार हूँ।